हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे बलन के प्रकार की, कि जो बलन है उसको कितने प्रकारों में यहाँ विभाजित किया गया है या बलन के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी पृथ्वी के अंतर्जात बलों के बारे में, तो उसमें हमने देखा कि पृथ्वी का जो अंतर्जात बल है उस अंतर्जात बल में जब संचलन क्षैतिज रूप से होता है तो क्षैतिज संचलन की वजह से चट्टानों में मोड़ पड़ जाता है, चट्टानों में बलन उत्पन्न होते हैं। जब क्षैतिज संचलन में बल जो है एक दूसरे की ओर कार्य करता है तो इससे संपीड़नात्मक जो बल उत्पन्न होता है तो वो संपीड़नात्मक बल की वजह से चट्टानों में बलन बन जाते हैं या मोड़ पड़ जाते हैं। तो अब हम उन्हीं बलनों के विभिन्न प्रकारों की बात करेंगे कि बलन कितने प्रकार के हैं या बलन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ सममित बलन की। सममित बलन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये एक समान ढाल वाला, एक समान नति वाला बलन है। और इसमें आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं, तो सममित बलन बलन का वह प्रकार है जिसमें बलन की दोनों ही भुजाएं एक समान रूप से झुकाव वाली होती हैं, समान ढाल वाली होती हैं, और इनका जो ढाल है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। तो इस प्रकार का जब दोनों की भुजाएं समान रूप से एक दूसरे के विपरीत दिशा में झुकी हुई हों, तो इस प्रकार का जो बलन है वो सममित बलन के नाम से जाना जाता है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें बलन की दोनों ही भुजाएं विपरीत दिशा में समान रूप से झुकी हुई हैं, उनका झुकाव या ढाल बलन के अक्ष पर समान है। तो इस प्रकार का जो बलन है वो सममित बलन के नाम से जाना जाता है। दूसरी हम बात करें असममित बलन, और असममित बलन का मतलब नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो दोनों भुजाओं का जो झुकाव है वो असमान होता है, अर्थात दोनों भुजाएं अलग अलग कोण पर झुकी हुई होती हैं। यहां आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, और डायग्राम में स्पष्ट है इसमें बलन की जो एक भुजा है उसका झुकाव या ढाल कम और दूसरी भुजा का ढाल अधिक होता है। तो इस प्रकार से जब दोनों ही दिशाओं से दबाव पड़ता है और दोनों ही दिशाओं से जो दबाव है उसमें एक तरफ से दबाव थोड़ा ज्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में एक भुजा ज्यादा झुक जाती है जबकि दूसरी भुजा का जो ढाल है वो अपेक्षाकृत मंद रहता है। और इस प्रकार से असमान ढाल वाले भुजाओं युक्त जो बलन होते हैं उनको असममित बलन के नाम से जाना जाता है। और असममित बलन बनने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि दोनों ही तरफ का जो संपीड़नात्मक बल है वो अलग अलग तीव्रता का होता है, और अलग अलग तीव्रता की होने की वजह से ही दोनों भुजाओं का ढाल भी असमान हो जाता है, और इस प्रकार से बने हुए बलन को असममित बलन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं बलन का तीसरा प्रकार, और तीसरा प्रकार जैसा कि लिखा हुआ है एक नत बलन, या फिर इसको एक दीर्घनत बलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो बलन है आप डायग्राम समझें, डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बलन में एक जो भुजा है वो झुकी हुई है तथा दूसरी भुजा बिल्कुल लंबवत स्थिति में आ जाती है। तो इस प्रकार से जब बलन की एक भुजा झुकी हुई हो तथा दूसरी भुजा समकोण की स्थिति में आ जाए या दूसरी भुजा लंबवत स्थिति में हो जाए, तो ऐसी स्थिति वाले बलन को एकनत बलन कहा जाता है, अर्थात इसमें एक ही भुजा झुकी हुई है जबकि दूसरी भुजा एकदम लंबवत स्थिति में होती है। तो इस प्रकार का जो बलन है वो एकनत बलन के नाम से जाना जाता है। और एकनत बलन का कारण भी दोनों पार्श्वों से पड़ने वाला असमान संपीड़नात्मक बल है। जब एक तरफ से संपीड़नात्मक बल ज्यादा होता है तो बलन की एक भुजा बिल्कुल लंबवत हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ जिधर से संपीड़नात्मक बल तुलनात्मक रूप से कम है वो भुजा समान या फिर सामान्य ढाल वाली होती है। तो इस प्रकार का जो एक समकोण भुजा वाला जो बलन होता है उसको हम एक नत बलन या एक दीर्घनत बलन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें अगले बलन की, और यहां आप देख सकते हैं अगला जो है समनत बलन। समनत मतलब समान रूप से झुके हुए, लेकिन यहां ये यह हमें ध्यान रखना होगा ये सममित बलन और समनत बलन दोनों में ही अंतर है। यहां जो समनत बलन है इसमें बलन की जो दोनों भुजाएं हैं
उनका ढाल एक समान है लेकिन समनत वलन में दोनों ही भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। तो जब लगातार रूप से दोनों पार्श्वों से दबाव पड़ता है तो दबाव की अधिकता के कारण बलन की दोनों भुजाएं मुड़ करके एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं और दोनों भुजाओं का ही ढाल समान रहता है। तो इस प्रकार की आकृति या इस प्रकार का जो बलन होता है उसको हम समनत बलन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ समनत बलन और समनत बलन की जो स्थिति है वो दोनों ही पार्श्वों से समान रूप से जो संपीड़नात्मक बल है जब वो निरंतर कार्य करता रहता है तो लगातार संपीड़नात्मक बल के कार्य करते रहने से समनत बलन उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार का जो बलन है तो इसमें दोनों ही भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी और समान रूप से झुकी हुई होंगी। तो ये जो बलन है वो समनत बलन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अगला पांचवें प्रकार का बलन और उसमें पांचवा प्रकार है परिवलित बलन। परिवलित बलन जिसको हम सयान बलन के नाम से भी जानते हैं और सयान का मतलब लेटा हुआ बलन। और यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम में स्पष्ट है कि जो बलन है वो बिल्कुल क्षैतिज हो चुका है अर्थात बलन की दोनों ही भुजाएं धरातल के क्षैतिज हो जाती हैं और इसी वजह से इसको लेटा हुआ बलन या परिवलित या सयान बलन के नाम से जाना जाता है। और ये स्थिति तब होती है जब निरंतर जो है दोनों पार्श्वों से संपीड़नात्मक बल कार्य करता है और उससे संपीड़नात्मक बल से जो बलन है वो लगातार झुकता हुआ क्षैतिज अक्ष के समानांतर हो जाता है या फिर कह सकते हैं कि धरातल के समानांतर बलन की दोनों भुजाएं आ जाती हैं। तो इस प्रकार का जो बलन है इसमें दोनों ही भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी लेकिन क्षैतिज अवस्था में होंगी। तो यहां हमें इन दोनों में ही अंतर समझना होगा, समनत बलन में भी दोनों ही भुजाएं समानांतर हैं और परिवलित या सयान बलन में भी दोनों ही भुजाएं समानांतर हैं लेकिन अंतर यह है कि समनत बलन में वो भुजाएं धरातल के साथ कुछ कोण पर झुकी हुई हैं जबकि परिवलित बलन में ये दोनों ही भुजाएं समानांतर होने के साथ साथ धरातल के साथ क्षैतिज अवस्था में लेटी हुई होती हैं। और इस प्रकार का लेटा हुआ जो बलन है उसको हम सयान या परिवलित बलन के नाम से जानते हैं। तो ये परिवलित बलन हुआ। अब हम बात करते हैं अगला जो है अधिक्षिप्त बलन, छठवां प्रकार बलन का अधिक्षिप्त बलन। और अधिक्षिप्त को अंग्रेजी में ओवर थ्रस्ट फोल्ड के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम प्रतिबलन के नाम से भी जानते हैं। तो यहां थोड़ा ध्यान रखना होगा, अधिक्षिप्त बलन का ही दूसरा नाम प्रतिबलन है, अंग्रेजी में ओवर थ्रस्ट फोल्ड के नाम से जाना जाता है। और इसमें आप डायग्राम देखें और डायग्राम आप देख सकते हैं कि बलन की जो दोनों भुजाएं हैं वो टूट करके एक दूसरे की ओर एक दूसरे के ऊपर उल्टी हो जाती हैं, उलट जाती हैं। तो बलन की जो एक भुजा है वो टूटकर दूसरी पर उलट जाती है और इस प्रकार से बना हुआ जो बलन है वो अधिक्षिप्त या प्रतिबलन के नाम से जाना जाता है। और प्रतिबलन की स्थिति तब बनती है जब दोनों दिशाओं से संपीड़नात्मक बल कार्य करता है और उसमें एक तरफ से संपीड़नात्मक बल की तीव्रता काफी ज्यादा होती है। तो जिधर से अधिक तीव्रता का संपीड़नात्मक बल कार्य कर रहा है उस साइड की जो बलन की भुजा है वो लगातार दूसरी साइड की भुजा पर अधिक्षिप्त होती जाती है, लगातार उस पर झुकती चली जाती है और जब झुकाव ज्यादा हो जाता है तो बलन की अधिक तीव्रता की साइड की जो भुजा है वो टूट करके दूसरी भुजा पर उलटी हो जाती है, दूसरी भुजा पर उलट करके चढ़ जाती है। और इस प्रकार से बलन की एक भुजा के दूसरी भुजा पर उलट जाने या चढ़ जाने से बना हुआ जो बलन होगा वो अधिक्षिप्त या प्रतिबलन के नाम से जाना जाता है। ये डायग्राम में आप स्पष्ट देख सकते हैं बलन की ये जो भुजा है ये टूट करके दूसरी जो भुजा है उसके ऊपर आरोपित हो गई है, उसके ऊपर चढ़ गई है। तो इस प्रकार से बना हुआ बलन अधिक्षिप्त बलन कहलाता है। अब हम बात करते हैं अगला समपनति। अगला जो है बलन का एक प्रकार है, सामान्य बलन है लेकिन बलन के इसमें थोड़ी सी भिन्नता यह है। तो ये समपनति के नाम से जाना जाता है और समपनति में आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम बना हुआ है और समपनति का मतलब, अपनति का मतलब बलन का ऊपर उठा हुआ जो भाग है वो अपनति के नाम से जाना जाता है। और जब जो संपीड़नात्मक बल है वो अलग अलग तीव्रता का हो
जब संपीड़नात्मक बल समय के हिसाब से उसकी तीव्रता परिवर्तित होती रहे, तो उस तीव्रता में परिवर्तन के कारण जो अपनति है, उस अपनति के अंदर ही छोटी छोटी अपनति और अभिनतियां बन जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये बलन की अपनति का या बलन का ऊपर उठा हुआ भाग है, लेकिन इस ऊपर उठे हुए अपनति वाले भाग में ही जगह जगह पर छोटी छोटी अपनति और अवनतियां बन जाती हैं। तो इस प्रकार से किसी बलन की अपनति वाले भाग में यदि छोटे छोटे अपनति और अवनतियों का विकास हो जाए, तो इस प्रकार की छोटी अपनति और अवनतियों के साथ मिले हुए जो बलन का अपनति वाला भाग है, उसको सम अपनति के नाम से जानते हैं। और सम अपनति की स्थिति या विकास तब होगा जब संपीड़नात्मक बल की तीव्रता समय के अनुसार परिवर्तित होती रहे, कभी कम कभी ज्यादा होती रहे, तो उससे बलन की अपनति में इन प्रकार की छोटी अपनति और अवनतियों का विकास हो जाता है, तो यह सम अपनति कहलाता है। ऐसे ही सम अभिनति है, अर्थात सम अवनति और सम अवनति एक ही प्रकार के तरीके से बनती हैं, और सम अवनति में जो छोटी छोटी अपनति अवनतियां हैं वो अभिनति वाले भाग में, अर्थात बलन का जो निचला भाग है, बलन का जो गर्त वाला भाग है जिसे हम अभिनति के नाम से जानते हैं, और जब उस अभिनति में संपीड़नात्मक बल की तीव्रता के उतार चढ़ाव के कारण छोटी छोटी अपनति और अभिनतियां बन जाती हैं, तो इस प्रकार की बड़ी अभिनति को सम अभिनति के नाम से जाना जाता है। तो यहां हमें यह ध्यान रखना होगा कि सम अपनति और सम अभिनति दोनों ही एक जैसे प्रकार हैं। अंतर केवल यह है कि जब अपनति वाले भाग में छोटी अपनति अभिनतियां बन जाए तो सम अपनति कहलाएगी, और जब अभिनति वाले भाग में छोटी अपनति और अभिनतियों का विकास हो जाए तो उसे सम अभिनति के नाम से जाना जाता है। तो यह भी बलन का एक विशिष्ट प्रकार है जो कि संपीड़नात्मक बल की तीव्रता में भिन्नता की वजह से उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं नौवां प्रकार या नौवां तरीका बलन का, एक मुख्य प्रकार जिसको हम कह सकते हैं ग्रीवाखंड। और ग्रीवाखंड ये एक विशिष्ट प्रकार के बलन के ही भाग हैं, और ग्रीवाखंड एक प्रकार से, जैसे इससे पहले हमने अधिक्षिप्त बलन पढ़ा, और अधिक्षिप्त बलन में हमने देखा कि जो बलन की एक भुजा है टूटकर दूसरी पर आरोपित हो जाती है, लेकिन जब यही स्थिति अधिक्षिप्त बलन वाली जो स्थिति है और इसमें बलन की जो टूटी हुई भुजा है वो संपीड़नात्मक बल की वजह से जब उस क्षेत्र से बहकर या उस क्षेत्र से विस्थापित होकर किसी अन्य क्षेत्र की चट्टानों पर पहुंच जाती है, तो उस अन्य क्षेत्र में पहुंचे हुए इस बलन की भुजा के भाग को ही ग्रीवाखंड या नापे के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीवाखंड बलन के टूटी हुई भुजा है, ग्रीवाखंड जो है बलन की ही टूटी हुई भुजा है जो कि अपने मूल स्थान से विस्थापित होकर किसी अन्य प्रकार की चट्टानों पर जाकर के पहुंच जाती है, और इस प्रकार के टूटे हुए भाग को ही हम ग्रीवाखंड या नापे के नाम से जानते हैं। और अगला है पंखाकार बलन, और पंखाकार बलन का निर्माण भी लगभग समअपनति और समअवनति के समान ही है। तो जब बलन का जो आकार है, जब बलन का आकार छोटी अपनति और अवनति के रूप में, या फिर बलन में कुछ उभार देखने को मिलते हैं, जगह जगह उभार और धसाव बलन के भागों पर बन जाते हैं, तो इस प्रकार बलन एक पंखे की आकृति का हो जाता है, और इस प्रकार पंखे की आकृति का बना हुआ जो बलन है उसे ही हम पंखाकार बलन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये बलन को प्रमुख रूप से यहाँ 10 वर्गों में विभाजित किया गया, या 10 टाइप या प्रकार बलन के बताए गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।